हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक शक्ति रेटिंग के 9। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग थंबनेल देख ही ले होंगे। तो गाइज, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कुछ बैकग्राउंड रिमूव पीएनजी के बारे में, जो कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई बैकग्राउंड रिमूव के कुछ वीडियो ला दो कि आपका फोटो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आप लोगों को फाइनली मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने बैकग्राउंड को और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट गो स्टार्ट ना माई वीडियो। तो फ्रेंड, आप लोगों को पहले तो एक आप लोगों कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं अपना गूगल खोल लिया हूँ, ठीक है। तो गूगल ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक वेबसाइट का नाम बताऊँगा, जिस वेबसाइट को आप लोग सर्च करके आप लोग अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वो भी बिना वाटरमार्क का और फ्री में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है backgroundbg.com, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गाइस कि मेरा backgroundbg.com हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर में ही मिल जा रहा है मेरा जो वेबसाइट का मेरा नाम है, ऊपर में ही मिल जाता है। इसमें हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आप लोग को ओपन होगा, जैसे आप लोग दिखा देते हैं कितनी। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, कुछ इस तरह का वेबसाइट आप लोग को ओपन होगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो जो हम लोग को ऊपर में मिल रहा था वेबसाइट, उस पर क्लिक करना है। तो ऊपर जाएंगे अपना और ऊपर आप लोग को ये मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ यहाँ का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा होगा रिमूव इमेज बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर रिमूव इमेज बैकग्राउंड लिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि आप लोग को कुछ और भी इंटरफेस मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह, मतलब यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस, तो आप लोग को इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा पहले, ठीक है। तो आप लोग और भी दिखाते हैं किस तरह से आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप लोग को इमेज हो जाएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप लोग को गूगल में ही कुछ मिल जाएगा आप लोग को, जो कि दे देता है गूगल ही। आप लोग आगे बता दें किस तरह से आप लोग इस तरह का फोटो लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए, और आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऐड फोटो पे पहले क्लिक करेंगे, और जो भी अपना फोटो होगा उसको ऐड कर लेना है, जिस फोटो को हम लोग का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। तो अपना जो भी फोटो होगा उसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। तो कुछ सेकेंड टाइम लेगा आप लोग को, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फाइनली मिल जाएगा बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद, ठीक है। तो हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद। यहाँ पे गए आप लोगों को देखना है, बगल में मेरा लिख रहा है डाउनलोड HD, ठीक है। एक डाउनलोड लिख रहा है, एक डाउनलोड HD लिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी इमेज आप लोग अपलोड कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे डाउनलोड HD भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग HD भी हो जाएगा। आप लोग को हम यहाँ पर बता देते हैं कि अपना बैकग्राउंड जो अगर लगाना है जो गूगल खुद देता है, ठीक है। तो आप लोग को वन क्लिक में आप लोग को HD हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर करना है पेंसिल वाले पर क्लिक। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर साइड में मिल जाएगा आप लोग को जो बैकग्राउंड था उस तरह का कुछ इमेज, ठीक है, जिसमें आप लोग को ब्लर वगैरह मिलेगा। और नीचे मिल जाएगा जो गूगल खुद दे रहा है आप लोग को, जो भी इमेज वगैरह आप लोग को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा मिल रहा है, तो हम एक क्लिक करके देखते हैं किस तरह का लगता है फोटो मेरा बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, वो बैकग्राउंड लगाने से किस तरह लगेगा गाइस। तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइस। तो आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाते हैं फोटो को, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस, बहुत मस्त लग रहा है मेरा, और एक यूनिक लग रहा है फोटो, और वो भी HD क्वालिटी में है गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और आप लोग को दिखाते हैं कि और किस तरह का आप लोग को मिलता है यहाँ पे बैकग्राउंड, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिलता है यहाँ तक कि। तो और भी अच्छा अच्छा बैकग्राउंड आप लोग को इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरा फोटो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इमेज आप लोग को मिल जाएगा। तो कुछ हम लोग चेंज करते हैं कुछ इस तरह का फोटो, तो देख रहे हैं आप लोग गाइस किस तरह का लग रहा है फोटो मेरा। तो और भी थोड़ा यहाँ पे मिल जाएगा बैकग्राउंड आप लोग को, तो आप लोग को वो भी दिखा देते हैं गाइस। तो कुछ और भी नीचे जाके आप लोग को इस तरह से सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है, आप लोग को एक और बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह का बैकग्राउंड, जो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइस। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं ये वाला डाउनलोड कर लूँगा अपना, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर फोटो किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी मैं आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा फोटो, आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। और भी आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारा मिलता है। यहाँ पे आप लोग कलर का बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग कलर पे क्लिक करेंगे अब बहुत सारे कलर का आप लोग को बैकग्राउंड मिल सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे कलर का आपको बैकग्राउंड है, जैसे आप लोग को हम क्लिक करके दिखा रहे हैं, सब इमेज आप लोग को अलग अलग चेंज होते जा रहा है। तो कुछ इतना ही कलर मिलेगा, ज़्यादा कलर नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो कुछ यही 15-20 कलर मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई।
इस सब कलर में भी आप लोग इस तरह भी अगर फोटो एडिट कर सकते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वाले फोटो को क्लिक कर देंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नीचे के साइड में मिल रहा है डाउनलोड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड मिल रहा है तो डाउनलोड इमेज क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देगा आप लोग को शेयर इमेज, डाउनलोड इमेज, ठीक है। तो आप लोग को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, या चाहे आप लोग को डाउनलोड करना है तो सिंपली हम लोग डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को डाउनलोड करना है फोटो, तो हम डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। तो फिर कहते हैं डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे तरफ दिखाई देगा डाउनलोड होने लगा, मेरा इमेज जो था वो डाउनलोड होने लगा और यहाँ डाउनलोड हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो आप लोग कुछ इसी तरह से आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना वाटरमार्क और बिना पैसे के लगाए हुए, ठीक है भाई। तो आप लोग को बहुत सारे एप्लीकेशन तो ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आप लोग को पैसा वगैरह लगाना पड़ जाता है, तो यहाँ पर बिना वाटरमार्क और फ्री में आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस इस वाला वीडियो में बस इतना ही।